हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। एंड अभी बजे हुए हैं शाम के 4 एंड अभी तक मैंने व्लॉग शुरू नहीं किया बिकॉज आज सभी लोग काफ़ी बिजी थे अपनी बातों में, काम कर रहे थे कुछ दीदी इन चीज़ों से। हम लोग काफ़ी दिन बाद मिले इसलिए लगे हुए थे बातों में। एंड मैं उठा भी आज बहुत लेट हूँ, मुझे उठते उठते 1:30 बज गया दोपहर का। उसके बाद खाना वाना खाने लगे, फिर बहुत सारी बातें करने लगे। तो अभी करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। एंड एक चीज़, मैं व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि आप बहुत से चैनल्स देखते होंगे, लाइक गौरव भाई की तबीयत आप देख रहे थे फ्लाइंग बीस्ट की, उनकी तबीयत अभी ख़राब हो गई थी। फिर सौरभ जोशी की पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव है। फिर खुशी की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं जस्ट आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि यार ये लाइक बहुत तेज़ी से फैल रहा है इंडिया के अंदर कोविड इस बार, क्योंकि जो ये सेकेंड वेव है बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो प्लीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि घर में ही रहना। एंड मतलब एक बार को जो आपकी मेन चीज़ें हैं उनके साथ सेक्रीफाइस कर लेना, लेकिन प्लीज़ बाहर मत निकलना। जब तक घर में हो तब तक सेफ हो, ये मैं गारंटी देता हूँ। खुशी घर पर थी, हम लोग सब घर पर थे, उसके बाद भी तबीयत ख़राब होगी इसका मतलब कुछ तो पंगा चल रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग बाहर जाके तबीयत ख़राब कर रहे हैं उसमें हमें कन्फर्मेशन हो जाता है कि कोविड हो सकता है। अगर हम लोग घर में रह रहे हैं तबीयत ख़राब होती है तो हमें पता लग जाता है कि एटलीस्ट हमें कोविड तो नहीं होगा, हम जल्दी रिकवर कर जाएंगे। अभिषेक यहाँ पे है, फोन में लगा हुआ है। तो यहाँ पे पापा हैं, पापा भी फोन में लग रहे हैं। इधर जी जो रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे खुशी रेस्ट कर रही है, यहाँ पे माँ राजा को लेकर बैठी हुई है, उधर दीदी रेस्ट कर रही है। और आज ना मौसम इतना सही हो रहा था कि पता नहीं सबको क्या हुआ, सब सोए जा रहे हैं। तो जब उठ जाएंगे, उठने के बाद फिर हम मस्ती करेंगे आज। टाटा ग्राउंड के अंदर अब ये खेलने नहीं देगा। हाँ जी, क्या बात है, देख लो ये खेलने देगा किसी को? यहाँ लो, इसको पकड़ना है इसको। तो हे एवरीवन, सो अभी बजे मैं रात के 10। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट शॉट में देखा कि मैं और यूवी क्रिकेट खेल रहे थे एंड सब कुछ बहुत सही जा रहा था, सभी लोग आराम कर रहे थे। मुझे था कि जब सब लोग उठ जाएंगे फिर मस्ती करेंगे, खेलेंगे, कोई गेम खेलेंगे आज स्पेशली। तो एकदम होता क्या है कि कॉल्स आनी शुरू हो जाती है कंटिन्यूसली। जब माँ ने कॉल पिक करी तो पता लगा कि हमारी काफ़ी क्लोज फैमिली थी, मतलब आंटी थी हमारी काफ़ी क्लोज, एंड उनको कोविड हुआ, मतलब उनकी कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट आई और फिर वो एडमिट हो गई हॉस्पिटल में जाके। एंड उसके बाद सब कुछ अच्छे से रिकवर हो गया, फिर वो घर पे आ गई। एंड घर पे आके एकदम से पता नहीं क्या कंडीशन हुई क्या नहीं, एंड वो अब हमारे बीच में नहीं है। मतलब एकदम से कंडीशन आपको पता ऐसी चल रही है कि कोई कहीं पे जा नहीं सकता है, मतलब बाहर अलाउड नहीं है बाहर जाना, प्रॉपर लॉकडाउन लगा हुआ है। एंड मतलब आप जो मन में आपके होते हैं उस चीज़ को भी आप नहीं कर सकते कंप्लीट, बिकॉज कुछ रूल्स बना दिए हैं गवर्नमेंट ने जिनको आप नहीं तोड़ सकते। तो जब तक हम घर में बैठे थे इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि एकदम से क्या हुआ, क्या कंडीशन बनी होगी, कि मतलब लाइक जब सब कुछ ठीक हो गया था, वो रिकवर हो गई थी, फिर भी मतलब एकदम से ट्रस्ट में हम वो चीज़ सोच ही रहे थे। एंड इसी बीच फिर से हमारे पास कॉल आई, एंड जब ये कॉल आई उस टाइम पे मैं टोटली मतलब मेरा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया ट्रस्ट में, कि यार मतलब एकदम से हो क्या रहा है। मतलब मैंने आपसे सुबह बात की, सुबह तक सब कुछ ठीक था, मैंने आपको बताया कि सौरभ की तबीयत ख़राब है एंड गौरव भाई की, जैसे आपको पता है उनकी तबीयत ख़राब हो रखी थी, लेकिन अभी वो अच्छे से रिकवर हो चुके हैं। तो मतलब कुछ लोग जो आप लोगों के सामने आ रहे हैं डेली एज अ डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं जो, तो आपको उनका ही बहुत लोगों का सुनने में आ रहा होगा, कुछ लोग ऐसे जिनका भी सुनने में आ भी नहीं रहा है। तो मैं आपको उसी चीज़ के लिए अवेयर कर रहा था कि प्लीज़ यार घर में ही रहो, चाहे कोई भी अदर कुछ भी कंडीशन आपके सामने आती है, आप घर से बाहर मत जाओ, मत जाओ प्लीज़। उसी बीच फिर ये कॉल्स आनी शुरू हुई। तो इस बार जब कॉल आई तो एकदम से पता लगता है कि यहाँ पर एक फैमिली थी, ठाकुर फैमिली, एंड उनकी लड़की थी, उनकी एक डांस एकेडमी भी है एंड वो काफ़ी अच्छे स्केल पे इंडस्ट्री में काम भी कर चुके हैं, इवन मुंबई भी वो काफ़ी काम कर चुके हैं इंडस्ट्री में। तो अभी वो रुड़की में ही थी बेसिकली। तो अभी लास्ट मंथ हम मिले भी थे, कुछ उनका अपकमिंग इवेंट को लेके बात चल रही थी हमारे बीच में। तो एकदम से हुआ क्या कि मेरे पास कॉल आया, मतलब मम्मा के पास कॉल आया कि यार मतलब वो हमारे बीच में नहीं रही, कोविड था उनको और वो एडमिट थी सिविल हॉस्पिटल में, और एकदम से मतलब लाइक उनको अब प्लेटलेट्स कम हुई या पता नहीं क्या कंडीशन हुई, अब वो हमारे बीच में नहीं है। एंड आई वाज लाइक कि यार ये मतलब एक चीज़ होता है ना कि यार अगर आप
मतलब किसी आदमी को जानते हो तो उसके लिए आप फील कर जाते हो बहुत जल्दी, और अगर आप किसी को नहीं जानते तो उसके लिए आप फील नहीं कर पाते इतना जल्दी। बी ऑनेस्ट, जो बात है सच में, मतलब जब परिवार में किसी को छोटी चोट भी लग जाए तो आपको लगता है कि यार चोट लग गई, क्योंकि वो हमारा फैमिली मेम्बर है, उसको हम डेली देखते हैं। ऐसी ये भी एज हमारी फैमिली थी, हमारी सोसाइटी, हमारी कॉलोनी के ही लोग हैं सब। एंड उसके घंटे बाद फिर कॉल आती है दोबारा से कि जो उनके फादर हैं वो भी अब हमारे बीच में नहीं रहे। एंड आई वॉज लाइक, माँ, मैं, खुशी, पापा, दी, जीजू, अभिषेक, हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं कि यार ये कोई फेक कॉल कर रहा है, झूठ है, ये सब हो क्या रहा है, मतलब ये झूठ लग रहा है मुझे। फिर मैंने कन्फर्म किया तो सब कुछ सच निकला कि नहीं, मतलब लाइक सच में ऐसा हुआ है। मतलब कुछ घंटों के अंदर तीन लोग हमें छोड़ के जा चुके थे, मतलब हमारे बीच अब वो नहीं है। आई मीन मतलब सुबह से, मतलब लिटरली एक होता है कि यार हम लोग व्लॉग बनाते हैं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, एंड सीरियसली मतलब ऐसी कंडीशन है कि हम आपको एंटरटेन कर पाएँ कि मतलब कहीं पे नहीं। अभी ऐसी कंडीशन है, मैं चाहता हूँ हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव रखूँ, हमेशा ऐसी पॉजिटिविटी अपने व्लॉग में रखूँ कि आप लोग कभी भी नेगेटिव थॉट्स ना अपने माइंड में ला पाएँ। उस चीज़ में मैं सक्सेसफुल हो भी जाता हूँ, जैसे कि मैं कमेंट सेक्शन रीड करता हूँ कि लोग बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, आप लाइक पॉजिटिव रखते हो सभी लोगों को। एंड सच में आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, डरोगे नहीं तो सब सही रहेगा, लेकिन आज सच में मैं खुद डर गया था यार। मतलब मुझे इतना डर लगा आज लिटरली पहली बार। फिर मेरी जब बात हो रही थी कॉल पे कि यार ये ऐसा सब सच है क्या, मतलब जो मेरे पास कॉल्स आ रही हैं कि हाँ सब सच है, और मतलब आप सही बताया, आपको इसने बताया, फिर उन्होंने बताया कि जो ये ठाकुर फैमिली है इनकी मोम की भी तबीयत अभी ख़राब चल रही है, एंड वो भी अभी मतलब हॉस्पिटल में है ना, वो भी मतलब लाइक अभी ठीक नहीं फील कर रही हैं। तो मतलब उसके बाद भाई मेरी बस हो गई, और मैंने मतलब शाम से दोपहर से जब हम खेल रहे थे उसके बाद से कैमरा नहीं छुआ, और मतलब मेरा यही था कि यार आपसे बात करूँ ना करूँ, आपको बताऊँ कि कंडीशन बहुत क्रिटिकल है अभी आज की डेट में। क्रिटिकल है सिर्फ इसलिए कि अगर हम अवेयर नहीं हैं, हम लोग प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, बिकॉज यार हमारे पास सिर्फ एक ही चारा है, प्रिकॉशंस। हम लोग घर में रहें पहली प्रिकॉशंस है, अगर हमें बाहर जाना पड़ता है जो टाइमिंग गवर्नमेंट ने निर्धारित किया आप लोगों के स्टेट में, आप लोगों की सिटी में, उसी टाइम आप बाहर जाइए एंड ट्राई करिए कि आप कम से कम चीज़ों को हाथ लगाएं। लाइक ग्रोसरी का आइटम है एक ही महीने का, आप खरीद के अपने घर पर रखें। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको पता है कि डेली आएंगे, तो फिर भी ट्राई करें उसे एक दो दिन का इकट्ठा लेके आ जाएँ, या किसी को बोल दें कि वो आपको डोर पर प्रोवाइड करा दे, डोर पर रख के चला जाए, या बाहर से बाउल को जो भी आपका लाइक बर्तन है, जिस भी बर्तन में या पॉलिथीन में जिसमें भी आता है, तो सैनिटाइज कर लो अच्छे से। ये थोड़ी चीज़ें हैं, प्लीज़ कुछ टाइम के लिए यार ध्यान रखो। मतलब लाइक एज अ यूथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम अपने मोम डैड का ख्याल रखें इस चीज़ के लिए, और अगर आप लोग अपने मोम डैड को नहीं समझाओगे तो मतलब लाइक फिर कौन समझाएगा यार। और ट्राई करो कि वो कम से कम वीडियोस देखें, कम से कम वो आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत सारी रिकमेंड कर रहा है यूट्यूब वीडियोस को जिनमें हॉस्पिटल्स की वीडियो वायरल हो रही है, मत देखो यार, उन्हें बहुत नेगेटिविटी आती है माइंड में। और ऐसा नहीं है कि जो केसेस रिकवर का जो रेट है वो कम है, बहुत अच्छा रिकवरी रेट है, लेकिन आपको पता ही है कि जो बंदा अब हमारे बीच नहीं रहता वो वीडियो बना के बहुत जल्दी अपलोड कर देता है, तो उससे क्या है नेगेटिविटी माइंड में आ जाती है। अदरवाइज अगर आज भी आप आंकड़े देखो तो आंकड़ों में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा हमें मतलब अकॉर्डिंग टू मी दिस वीक, मतलब इस वीक हम सबको अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मैं गारंटी देता हूँ आपको नेक्स्ट वीक से आप लोगों को बहुत पॉजिटिविटी मिलने वाली है, एंड सब कुछ ठीक दिखाई देगा, बिकॉज एकदम वेव इस कदर आई है। मतलब अगर मेरे पास इतनी बुरी हालत है तो मुझे लगता है कि आई थिंक पूरी कंट्री में यही हालत चल रही होगी यार, बिकॉज मैं जब से ये चीज़ें मैं सुन रहा हूँ मैं न्यूज़ बहुत कम देख रहा हूँ, और आप लोगों को बोलता हूँ आप देखिए लेकिन इन अ पॉजिटिव मैनर यार, मतलब कि आप उससे चीज़ों को सीखिए। अगर आपको लगता है वो डाइट बता रहे हैं, डाइट फॉलोअप कीजिए, या जो भी है इम्यूनिटी के ऊपर काम कीजिए प्लीज़। मतलब अगर कोई भी वैसी वीडियो आप देख रहे हो सब मत देखिए, ना फैमिली वालों को देखने दीजिए, हमेशा पॉजिटिव रखिए, हंसिए, खेलिए, फिजिकली थोड़ा सा वर्क कीजिए, क्रिकेट खेल लो या और भी बहुत सारे गेम्स हैं आउटडोर जो आप घर के अंदर रह के खेल सकते हो, उन्हें खेलिए यार, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आई प्रोमिस टू यू गाइज सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी हिम्मत रखिए बस। आई लव यू ऑल।